प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो पिछले दो आपको वीडियोस में मैंने शॉर्टकट सिखाए थे, तो यहां पर इसके अंदर आपको विद इन सेकेंड जो है ए इन्वर्स निकालना है। तो अब ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे बच्चों? अब आप इसकी खासियत देख रहे हो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका A11, A22 और A33 एलिमेंट्स हैं, बाकी सब एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। तो इसका बच्चों जो ए इन्वर्स होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब आप इसको एनालाइज करो थोड़ा सा। जब ए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? आई आता है। तो ऑब्वियस है यहां पर क्या आएगा? 1/a तभी हो सकता है। और इधर क्या आएगा? 1/b। और इधर क्या आएगा? 1/c। ये क्या आएगा आपका? 0 0 0 0 0। और आपकी साथ में कंडीशन ये है कि इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट जीरो होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई ना कोई एलिमेंट नॉन इंटीजर होना, वो आपका इंटीजर होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के साथ, तो देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले मुझे बताता है। ये 1, 3, -5 है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों इसका इन्वर्स? और ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो इसका 1 ही आएगा, ये 1/3 आएगा, ये -1/5 आएगा। वेरी नाइस, 0 0 0 0 0 0। तो इस तरह आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। यदि ये आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे आपका सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।